जैसा कि अभी हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में ये हाउस वायरिंग बना के रखा है, ठीक है। तो हाउस वायरिंग करने के बाद केवल हाउस वायरिंग करने से घर का प्रॉपर वायरिंग सही से नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें इसका कुछ सेफ्टी डिवाइस भी लगाना पड़ता है, ताकि कहीं ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो को ट्रिप कर जाए, या कहीं चलते हुए लाइन में हमको काटना है तो इसको चेंज ओवर स्विच या मेन स्विच के द्वारा ऑफ करके यहाँ हम लोग किसी भी घर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस प्रयोग करते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं MCB, ये सब क्या है, MCB, ठीक है। अब MCB जो है ये घर का लोड के अनुसार हम लोग इसका रेटिंग देखते हैं, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, इसके अनुसार से। और ये जो है DP स्विच, ये DP स्विच क्या करता है, हम लोग का घर का दोनों सप्लाई को ऑफ करता है, यानी कि फेज और न्यूट्रल दोनों का। ये केवल इसमें MCB केवल फेज से कनेक्ट करते हैं और ये फेज को ऑफ करता है, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये चेंज ओवर स्विच, इसका नाम क्या है, चेंज ओवर स्विच, ठीक है। इस चेंज ओवर स्विच में हम लोग का डबल पोल का, क्योंकि घर वायरिंग में हम लोग एक फेज और एक न्यूट्रल दो तार को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 4 8 टर्मिनल दिखाई देते हैं, ठीक है। इस चेंज ओवर में ये है कि दो तार हम लोग लाइन का देते हैं, दो तार जनरेटर का देते हैं और दो तार लोड के लिए, तो टोटल टर्मिनल हो गया 8, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। तो इस तरह से 8 टर्मिनल में है हम लोग का यूज 6 टर्मिनल का, लेकिन 2 एक्स्ट्रा रहता है कि हम वो जो 2 टर्मिनल है नीचे से भी ले सकते हैं या ऊपर से भी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये प्रैक्टिकल में करेंगे कि इस वायरिंग कंप्लीट किया गया, और इस वायरिंग में कंप्लीट करने में यहाँ 3 फेज तार आया है और एक न्यूट्रल तार, यानी कि तीनों रूम का अलग अलग बोर्ड का अलग अलग फेज है, अलग अलग हम लोग कंट्रोल करेंगे, और ये न्यूट्रल तार यहाँ निकाला हुआ है, तो इसका अब हम लोग कनेक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग करने में ये हमको एनर्जी मीटर चाहिए, क्योंकि पोल से जो आया वो सबसे पहले एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर के बाद जो डिवाइस लगाना है डिवाइस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन एनर्जी मीटर का इनकमिंग तार यहाँ जोड़ करके पहले से रखा गया है, सप्लाई वन टू, यानी कि S1 S2 इस पर लिखा हुआ रहता है, और एक साइड क्या लिखा हुआ रहता है, L1 L2, यानी कि लोड के तरफ जाएगा, L1 और L2 कहाँ जाएगा, लोड के तरफ। तो यहीं से हम लोग का इधर से लोड शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आने के बाद हम लोग कहाँ जुड़ेंगे, लोड में यानी कि चेंज ओवर स्विच में, ठीक है। इस चेंज ओवर स्विच में तार को एंट्री करेंगे और यहाँ इस 6 टर्मिनल में से देखेंगे किस में जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक टर्मिनल दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्ट किया गया है यहाँ तक ऊपर तक, इसका भी एक दिखाया गया ऊपर तक। तो ये जो कनेक्ट किया गया है उसको लोड से संयोजित करते हैं, या तुम नीचे जोड़ो या हाँ ऊपर जोड़ो, लेकिन अभी हम लोग को लाइन का तार जोड़ना है जो एनर्जी मीटर से आया है। तो इसका एक एक तार एक एक टर्मिनल से इसमें जो खाली है उसमें जोड़ देते हैं, फिर इसका एक तार जो ये जो है लाइन का ये अगले टर्मिनल से जोड़ देते हैं, हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से आउटपुट ऊपर निकलेगा, यानी कि लोड में जो जाएगा, तो लोड के लिए तार दो लेंगे इधर से, एक फेज और एक न्यूट्रल, यानी कि ब्लैक और रेड तार ले सकते हैं इसमें। तो ये ब्लैक तार लिया, और ध्यान रहे कि पोलैरिटी सही होना चाहिए, यानी कि जो तार ब्लैक का है वो ब्लैक का ही से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि ब्लैक हम लोग न्यूट्रल के लिए दर्शाते हैं और फेज के लिए रेड तार। तो ये हो गया ब्लैक, और इसके लिए एक रेड तार होना चाहिए, और यहाँ ध्यान रहे कहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है। लोड जोड़ना है तो लोड के लिए कहाँ जोड़ेंगे, इस जो कनेक्टेड है वहाँ जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से अब हमें लोड की ओर देना है। ये जो देख रहे हैं नीचे से कनेक्ट है उसी में देंगे, और ये लोड तार जो है हम लोग नीचे या ऊपर दोनों जोड़ सकते हैं, ये नीचे भी कनेक्ट किया गया ऊपर भी कनेक्ट किया गया है, यानी कि ऊपर से नीचे दोनों टर्मिनल को कनेक्ट यानी कि शॉर्टेड किया गया है, तो इसलिए ऊपर भी जोड़ सकते हैं और नीचे भी जोड़ सकते हैं। और एक दूसरा यहाँ ये जोड़ सकते हैं, या यही टर्मिनल जोड़ करके ऊपर लाया गया है, यहाँ ऊपर भी जोड़ सकते हैं,
हो गया। और ये दोनों तार आएगा डीपी स्विच के पास, ये डीपी स्विच है, डीपी स्विच के ढक्कन खोलो। फिर इसके बाद आएगा यहीं पे ये चेंजर में एक और यहाँ सप्लाई हम बता देते हैं इसका, ये जनरेटर के लिए, इसका भी चेंजर में जनरेटर से हम जोड़ देते हैं इसको। तो जनरेटर में ये जो खाली दिख रहा है वो खाली वाला में जनरेटर का ब्लैक तार जोड़ देंगे, यानी कि इसका एक समझ लो एक ट्रिप याद रख लो। चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन क्या करते हैं कि जैसे एक नीचे खाली दिखाई देता है एक ऊपर दिखाई देता है, तो नीचे वाले में लाइन को जोड़ दो खाली वाला में, और ऊपर जो खाली दिखाई देता है उसमें क्या जोड़ दो, जनरेटर जोड़ दो, और जो पत्ती से कनेक्ट किया गया है ऊपर या नीचे लोड को जोड़ दो। यही फॉर्मूला है इसका, इससे कहीं कहीं कोई नहीं गड़बड़ हो पाएगा। और ये दो तार आ गया हम लोग का लोड का चेंज ओवर से। तो डीपी स्विच का, डीपी स्विच में भी लिखा रहता है एल और एन, तो जो एल में जुड़ा रहे एल लिखा रहेगा लाइन का, यानी कि फेज तार का, तो वहाँ फेज तार जोड़ दो रेड वाला, और जहाँ न्यूट्रल होता है वहाँ न्यूट्रल का तार जोड़ दो। और डीपी स्विच में जब भी हम लोग कनेक्शन करेंगे तो नीचे इनपुट करते हैं और ऊपर से आउटपुट लेते हैं। इनपुट यहाँ जोड़ दिया गया और ऊपर से आउटपुट ले लेंगे। तो आउटपुट के लिए तार, दो तार चाहिए हमें, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो ये फेज के लिए रेड तार, अब देखिए यहाँ एल वन यहाँ है, एल टू यहाँ है, यानी कि लाइन वाला तार यहाँ दूसरे टर्मिनल से ले जाएंगे, एल टू से जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहाँ से। और ये रेड तार सीधा कहाँ आएगा, एमसीबी के इनपुट नीचे वाले में, यानी कि जब भी एमसीबी डीपी स्विच कोई भी स्विच का हम लोग इनपुट कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे। और एक दूसरे एमसीबी से कनेक्ट करना हो तो सबको साथ में यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम तीन रूम के लिए तीन एमसीबी लगाए हैं, तो तीनों का एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद ये इस एमसीबी से इसको कनेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद अगले एमसीबी को सबको एक जगह नीचे कनेक्ट कर देते हैं सबको। नीचे सबको कनेक्ट कर दिया, फिर ऊपर से आउटपुट निकलेगा। तो ऊपर से आउटपुट जो है हम लोग का रूम का, जो तीन रूम का आया वो एक एक करके सबको एक एक एमसीबी से जोड़ देंगे। ये तीन रेड तार जो दिख रहा है वो फेज तार है, ये प्रत्येक एमसीबी से एक एक से इसमें कनेक्ट करेंगे। एमसीबी से इसको कनेक्ट कर दिए। अब ये लोड का जो न्यूट्रल तार है वो लोड को न्यूट्रल तार एमसीबी में नहीं जुड़ता है, डीपी स्विच में जोड़ते हैं। ये डीपी स्विच का एक टर्मिनल खाली है, वहाँ हम लोग इसको न्यूट्रल तार से जोड़ देंगे। अब इसके बाद ये कनेक्शन हो गया, अब यहाँ इसका ढक्कन को लगा देंगे। एमसीबी का भी ढक्कन हो तो एमसीबी के भी ढक्कन लगा सकते हैं, ठीक है। ये एमसीबी का ढक्कन ऊपर से आता है, इसमें लगा सकते हैं, ऐसे खाली भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डीपी स्विच का ढक्कन लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसका टर्मिनल सब खाली रहता है, यहाँ करंट लगने की संभावना हो सकता है। हम लोग सप्लाई दे करके चेक करेंगे हम लोग का वायरिंग सही है कि नहीं है। चलिए तो अभी यहाँ एमसीबी का कनेक्शन कर लिए, ये सभी उपकरण का कनेक्शन हो गया, एनर्जी मीटर का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद यहाँ से सप्लाई जो निकला हुआ है इस सप्लाई को हम लोग इस स्विच से बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद कनेक्ट कर दिया, यहाँ एनर्जी मीटर में लाइन आ गया, ठीक है। चेंज ओवर स्विच ऑन स्थिति में है, ये बीच में क्या रहता है ऑफ में, ऊपर रहता तो जनरेटर, तो जनरेटर में लाइन नहीं है, यानी कि जनरेटर से कनेक्ट नहीं है, ये जनरेटर का तार है, ठीक है। और ये जो है बीच में ऑफ रहता है, ये नीचे जो है हम लोगों का क्या है लाइन का है, तो नीचे लाइन का है, ये मेन स्विच जो है ऑफ है, इसको ऑफ ऑन करेंगे, ऑन हो गया, लाइन आ गया यहाँ।
अब MCB है, तीनों ऑफ है, एक एक करके ऑन करेंगे। यहाँ एक को ऑन किए, इंडिकेटर आ गया, यानी कि लैंप जल गया, ठीक है। दूसरे को ऑन किए, इसका भी इंडिकेटर आ गया, इसमें इसका भी ऑन करेंगे, जल गया। फिर तीसरे का ऑन करेंगे, वहाँ इंडिकेटर लाइन आ गया, उस लैंप को जल ऑन करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का अब जो है MCB से किसी एक को बुझाना है, बंद करना है, उसमें परिपथ में कट गया, इसको बंद करना है ये कट गया, फिर इसको बंद करना है इसको कट गया। यदि जो तीनों और रहे MCB और सभी को एक जगह से ऑफ करना है, तो इस DP स्विच से सभी को ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये DP स्विच से ऑफ हो जाएगा, या चेंज ओवर स्विच से भी हम लोग पूरे को ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। ये जब लाइन कट गया तो जनरेटर पर इसको ऑन सेट से कर लेंगे, जनरेटर से जुड़ा रहेगा, जनरेटर से सभी लाइन चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस चेंजर, मेन स्विच, MCB, एनर्जी मीटर, हाउस वायरिंग के साथ आज कनेक्शन किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।